Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. आप लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड दिख रहा है, मैं कहाँ हूँ? तो मैं आपके सामने आ जाता हूँ, मैं इधर हूँ. तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को. वेलकम टू द ECLE. कैसे आप लोग? और आज हम पढ़ेंगे मॉडल पैसिव वॉइस. और मॉडल पैसिव वॉइस की इस वीडियो में आज हम जानेंगे मॉडल पैसिव वॉइस में फर्स्ट जो कि है कैन, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं. और कैन का मॉडल पैसिव वॉइस कैसा बनता है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है हम जानते हैं. और यह हमेशा यूज़ किया जाता है स्पीकिंग के तौर पर और आसानी से हम इसको बोल सकते हैं मॉडल पैसिव वॉइस को और यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ आपने पेपर में, किताबों में हमेशा आपने अक्सर इसको इस प्रकार के सेंटेंस को देखा भी होगा. और आपने, अगर आप लिसनर हो तो आपने बोलते भी सुना होगा और बहुत जगह यह यूज़ किया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और शानदार तरीके से. यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं और साथ साथ जो कि जो नोटिफिकेशन है जल्दी आपको पहुंच जाएगी, आप इसकी ECLE की वीडियो देख सकें. तो देखते हैं मॉडल पैसिव वॉइस में सबसे पहला क्या है, कैन. ठीक है, कैन के बारे में हम जानेंगे मॉडल पैसिव वॉइस में और शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन. इसका आइडेंटिफिकेशन क्या रहता है ज़्यादातर हम देख सकते हैं. तो देखो इसमें पहचान क्या है इसकी, देख क्या है, जा सकता है, जा सकते हैं और जा सकती है. तो हम यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं. तो ध्यान रखना आप वैसा वाला जा सकता है, जा सकते हैं नहीं है. ठीक है, जस्ट इसकी आइडेंटिफिकेशन लास्ट में ऐसा वाला हो सकता है. ठीक है ना, तो आप समझो भाई स्कूल जा सकता है, मैं ना भाई स्कूल जा सकता है, ये नहीं समझना. ठीक है, तो इसमें जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं. ज़्यादातर जब पैसिव वॉइस में ज़्यादातर जो सेंस निकलता है वो जा के तौर पर निकलता है, जाता है, जा सकता है, गया है, पढ़ाया गया है, या फिर मतलब ऐसे जा चुका है, इस प्रकार से हमने सुना होगा. ठीक है, तो जा सकता है, जा सकते हैं, जा सकती है. और देखते हैं हम, अगर हम इसको एक्टिव में देखो, एक्टिव में एग्जांपल लिया है. ठीक है, हिंदी में लिया है मैंने. एक्टिव कैसा रहता है इसका, हम कोरोना से लड़ सकते हैं, हम कोरोना से लड़ सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हम कोरोना से जंग लड़ सकते हैं. ठीक है, जंग नहीं लिखा है. तो इसका पैसिव कैसा बनेगा, हमारे द्वारा कोरोना से लड़ाया जा सकता है, हमारे द्वारा कोरोना से लड़ाया जा सकता है, या हमारे द्वारा कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है, सकता है यूज कर सकते हैं. मतलब हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा, तो स्पेशली जो कि एम्फसाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे द्वारा कोरोना से लड़ा जा सकता है, यूज़ कर सकते हैं आसानी से. उसके साथ साथ मैंने कुछ सेंटेंस भी लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल लिए हैं सेंटेंस, जो कि आप इनको नोट कर लेना और इनकी इस प्रकार से आप सेंटेंस बना लो और अपनी थिंकिंग डेवलप करके आपको और भी बनाना है. तो जैसे जैसे मैंने सेंटेंस लिया है कि घर बनाया जा सकता है, हम स्पोकन के तौर पर बोलते हैं ना कि घर बनाया जा सकता है, या आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाई जा सकती है, आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाई जा सकती है, बोल सकते हैं ECLE के थ्रू आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाई जा सकती है, हम बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, भीड़ को संभाला जा सकता है. वैसे तो अभी तो भीड़ भाड़ है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो भीड़ भाड़ तो कहीं मिलेगी नहीं, मतलब वैसे सार्वजनिक काम, लेकिन फिर भी सेंटेंस है, भीड़ को क्या संभाला जा सकता है, भीड़ को हम क्या, हम संभाल सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, भीड़ को संभाला जा सकता है. ठीक है, यह किताब प्रकाशित की जा सकती है, ये भी बन सकता है, यह किताब प्रकाशित किया जाए, कोई जैसे बुक है तो यह किताब प्रकाशित किया जा सकती है, या फिर इस पेन से लिखा जा सकता है, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मज़दूरों को घर पहुंचाया जा सकता है, मज़दूरों को घर पहुंचाया जा सकता है, तो मज़दूरों को घर पहुंचाया जा सकता है. तो मैंने ज़्यादातर जो एग्जांपल लिए, इसमें जो सब्जेक्ट इसमें हेडन है, इसमें मेन है ऑब्जेक्ट, जो कि जो करने वाला व्यक्ति है उसको मैंने हेडन किया, जैसे कि भीड़ को संभाल जा सकता है, कौन संभालेगा पता नहीं, के लिए मेंशन नहीं किया है. यह किताब प्रकाशित की जा सकती है, कौन कौन सा प्रकाशन करेगा पता नहीं है. ठीक है, मजदूरों को घर पहुंचाया जा सकता है, तो मजदूरों को घर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कौन पहुंचा रहा है, मतलब इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन पहुंचा कौन रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, सोनसूद. ठीक है, सोनसूद कर रहे हैं. बैलों की मदद से खेती की जा सकती है. देखो पहले बैलों की मदद से खेती की जा सकती थी, तो हम बोल सकते हैं बैलों की मदद से खेती क्या की जा सकती है,
खेती की जा सकती है। किसकी मदद से? बैलों की मदद से खेती की जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही देखो नेक्स्ट, मुझे शादी में बुलाया जा सकता है, मुझे शादी में बुलाया जा सकता है, यहाँ पर आपको शादी में बुलाया जा सकता है, मोहन को शादी में बुलाया जा सकता है, या फिर क्या शिवानी को, क्या शिवानी को समझाया जा सकता है, शिवानी को समझाया जा सकता है, या फिर शिवानी को फिल्म दिखाई जा सकती है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यह कुछ मैंने एग्जाम, मैंने क्या किया इसमें, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए, जा सकता है, जा सकते, जा सकते वाले, मतलब ये इसका आइडेंटिफिकेशन देखा, और साथ ही साथ हम पैसे में हम कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा, इस प्रकार से बनाते हैं, अदर एग्जाम्पल के थ्रू हैं वो भी हमने देखा। तो आई होप के है आपको इतना समझ में आ गया होगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो इफ़ यू वॉन्ट टेक स्क्रीन शॉट प्लीज यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो और मैं इसका आगे बढ़ जाता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, देखते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीन शॉट। तो हम आगे देखते हैं, तो हमने क्या इसकी पहचान देख लिया, आइडेंटिफिकेशन देख लिया, और हमने क्या देख लिया इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, जो कि आपको आप ध्यान में आ जाएंगे, आप आसानी इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो जो अब समझो क्या है कि जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी इजी, इसमें ज़्यादा कोई बिल्कुल कोई टफ नहीं है, आई थिंक डैट यह बहुत ज़्यादा इजी है, आप बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने मेन क्या है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, पैसिव वॉइस में रहता है जो आप, अगर आप ऑब्जेक्ट को पकड़ लोगे आप सेंटेंस को बना लोगे, तो इसमें भी है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और हम 6 प्रकार के स्ट्रक्चर जो कि हम सीखते हैं, जिसमें मैं क्वेश्चन वर्ड समेत, जो WH वर्ड समेत भी बताता हूँ, जो कि आपको अलग से WH वर्ड को सीखने की जरूरत नहीं है, इसी में सीख जाते हैं एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर में। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के सेंटेंस में आप WH वर्ड के सेंटेंस बनाना भी सीख जाते हैं, जो कि यूट्यूब पर क्या अलग से सीखना पड़ता है, या फिर हम ज़्यादातर देखते हैं जो टीचर्स वो अलग से सिखाते हैं, लेकिन हम एक ही में सब सीख जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम 6 प्रकार से स्ट्रक्चर बनेंगे, तो कौन कौन से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देखो, तो अफर्मेटिव बनाने के क्या है, क्या है ये देखो, ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी, कुछ नहीं रहेगा, कैन बी आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर दें, ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी, ये थोड़ा सा बोर्ड पर ऑयल आ गया इसकी वजह से सेट चल नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वोव का थर्ड फॉर्म एस वाइल लिखो। ठीक है, या ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वोव का थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड भी। अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड अब मैं कन्फ्यूजन नहीं, अदर वर्ड मतलब होता है कि जो अन्य जो वर्ड आ जाए, अन्य वर्ड आ जाए, जैसे ऑब्जेक्ट हुआ आपको पता है क्या है, मॉडल को पता है, वर्ब को पता है, अब अदर वर्ड आ जाए तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदर वर्ड फिर क्या आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, क्या जाता है, अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। तो आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर इज डैट, क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस कैन के बाद नॉट लगाते हैं हम। ठीक है, कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वी थर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बोल मत समझ लेना वी थर्ड है, या फिर रहने दो, ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी कनातर दिक्कत हो जाए, चलो इसी प्रकार से लिख देता हूँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वी थर्ड है। ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड में शॉर्ट लग रहा हूँ, ऊपर अदर और डब्ल्यू फॉर वर्ड, मैं साधारण तौर से लिख रहा हूँ। फिर थर्ड बना लेते हैं, क्या कैन प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, आप ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट हम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट बोलोगे कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, ये आपका फोर्थ है। ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एक बार अगर आप स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर समझ लोगे, सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट जो मैंने बोला कि ये तो मैंने कितने बताए, ये मैंने 4 प्रकार से बनाए सेंटेंस, जो कि पैसिव वॉइस में। ठीक है, 2 प्रकार के जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो आपके WH वर्ड रहेंगे, WH वर्ड जानते ही होंगे, आपको पता ही है। तो मैं इसी में आपको WH वर्ड पढ़ाता हूँ, मैं हर बार जब लगभग मैंने 200 से ज़्यादा वीडियो बना ली है, 250 तक पहुँचवा ली है, तो मैंने उसमें 6 ही प्रकार के स्ट्रक्चर आपको समझाए हैं। तो देखो, अदर वर्ड
ठीक है, पूरा रख लेते हैं ये, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, ठीक है इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड या इसको डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म, ठीक है अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है क्वेश्चन वर्ड कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है ऐसे नेक्स्ट करेंगे क्या, लास्ट वाला जो आपका सिक्स स्ट्रक्चर में से रहेगा क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट, देखो इसमें बस वो नहीं होना, ठीक है ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, क्योंकि अगर आप एक बार ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना तो सेंटेंस को आप उड़ा दोगे, फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे, आप आसानी से सेंटेंस को बना पाओगे एज वेल एज आप बोल पाओगे, प्रैक्टिस हो पाएगी। तो देखो क्वेश्चन वर्ड कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, तो दिस इज द सिक्स टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर, देखो ये फर्स्ट है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है तो ये अपना छः प्रकार से क्या स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाने बताए हैं, तो हम छः प्रकार से जब हम स्ट्रक्चर देखें तो छः प्रकार से हम सेंटेंस बनाने सीखेंगे, हम इनमें तीन प्रकार से नहीं सीखेंगे जो कि ज़्यादातर बताते हैं, तो हम छः प्रकार से बनाएंगे जिसमें से क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच वर्ड तक वाले हैं उनकी भी आपकी आसानी से बहुत ईजी तरीके से आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखो मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें नॉट कहाँ लगाना है तो ध्यान रखना जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा इसमें कैन और बी के बीच नॉट आएगा, कैन और बी के बीच नॉट आएगा, ठीक है जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जैसे फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है जिसे इसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट और बी के बीच नॉट आएगा, ठीक है और ऐसा इसमें है ऑब्जेक्ट और नॉट के बीच, ऑब्जेक्ट और बी के बीच नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है कभी भी हम ध्यान रखना कभी कैन नॉट और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है कभी भी ध्यान रखना, और ना ही कभी हम क्या कि कैन मतलब बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच हम नॉट का यूज़ करेंगे, गलत माना जाएगा। तो दिस इज़ द सिक्स टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर, आई होप आप समझ गए होंगे और आई होप ये इसको समझ में आ गया हो, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और फिर हम सेंटेंस बनाना आसानी से सीखते हैं, ठीक है आसानी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूँ कि जिस सेंटेंस में क्या आपका जिस सेंटेंस में आपका जो आपका सब्जेक्ट नहीं बताया गया होगा उसमें हम सब्जेक्ट यूज ही नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड तक रहेगा बाय प्लस सब्जेक्ट, इसमें हम यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि होगा ही नहीं, ठीक है तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बताया इस प्रकार का ताकि आपको आपका फुल जानकारी हो सके, आपको कोई प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो सके। तो दिस इज द सिक्स टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और इफ़ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट्स आप इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें, साथ ही साथ हम इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है तो थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, और इसको मुझे रब करना पड़ेगा और हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं, इट इज़ वेरी इजी, यह आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, आपको यह क्या समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या जाएगा समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है तो बनाते हैं ठीक है तो हम बोल सकते हैं क्या कि आपको शादी में बुलाया जा सकता है, ठीक है आपको शादी में बुलाया जा सकता है, तो इसमें दो सेंस निकल रहे हैं, ठीक है एक शादी में बुला मतलब कॉल मीन्स होता है बुलाना, और एक होता है इनवाइट करना, क्या होता है इनवाइट करना किसी को, या फिर हम हिंदी में बोलें तो निमंत्रण देना, आमंत्रण देना, ठीक है तो आपको शादी में निमंत्रण दिया जा सकता है, आपको शादी में बुलाया जा सकता है, तो हम इसको किसमें यूज़ करेंगे, इसमें हम कॉल के तौर पर यूज़ करेंगे क्योंकि कॉल मीन्स होता है बुलाना, ठीक है और इनवाइट करना भी होता है, ठीक है तो यू कैन बी इनवाइटेड हम बोल सकते हैं, तो आपको शादी में बुलाया जा सकता है, तो ध्यान रखना क्या आएगा यू कैन बी, इतना आ जाएगा आपको मीन्स यू होता है आपको पता ही है, यू कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो यू कैन बी इनवाइटेड या फिर यू कैन बी कॉल, तो मैं बुलाने के सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, तो यू कैन बी कॉल थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यू कैन बी कॉल्ड कहाँ बुलाना है शादी में, इन
मैरिज, यू कैन बी कॉल इन मैरिज। तो आपको आप इसमें अदर वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको अदर वर्ड कहाँ यूज़ किया था, सब्जेक्ट तो नहीं है, तो यू हो गया, ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना ये सब्जेक्ट नहीं है। कैन बी हो गया, कैन बी यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो यू कैन बी कॉल, आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन आपको शादी में बुलाया जा सकता है, मतलब ये क्या अदर वर्ड हो गया, ये क्या अदर वर्ड हो गया इन द मैरिज, एक एक्सटर्नल हमने जोड़ दिया। तो आपको शादी में बुलाया जा सकता है, यू कैन बी कॉल, यू कैन बी कॉल्ड इन द मैरिज, ठीक है। आइए समझ में, ऐसे हम इसको नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है। आपको शादी में नहीं बुलाया जा सकता है, आपको शादी में नहीं बुलाया जा सकता है, हो सकता है कोई ना कोई रीज़न हो, ठीक है। तो हो सकता है यू कैन नॉट बी, देखो मैंने बोला था यू कैन नॉट बी, कैन और बी के बीच नॉट, यू कैन नॉट बी कॉल्ड इन द मैरिज, जाएंगे तो ये लिख देंगे इन मैरिज, ठीक है। आपको शादी में नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है, आपको शादी में क्या नहीं बुलाया जा सकता, यू कैन नॉट बी कॉल्ड इन द मैरिज, ठीक है। अब बनाएंगे, क्या आपको शादी में बुलाया जा सकता है, क्या आपको शादी में बुलाया जा सकता है, क्या आपको शादी में बुलाया जा सकता है, देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्या आएगा, कैन यू बी कॉल्ड इन मैरिज, कैन यू कॉल इन मैरिज, ये आपका इंटरोगेटिव बन गया, कौन सा बन गया, ये इंटरोगेटिव, ये अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो आपको शादी में बुला, क्या आपको शादी में बुलाया जा सकता है, तो कैन यू बी कॉल्ड इन द मैरिज, कैन यू बी कॉल्ड इन द मैरिज, क्या आपको शादी में बुलाया जा सकता है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ठीक है, ऐसे ही हम बना लेते हैं ये फोर्थ वाला, ठीक है। आपको क्या आपको शादी में, क्या आपको शादी में नहीं बुलाया जा सकता है, क्या आपको शादी में नहीं बुलाया जा सकता है, बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, क्या आएगा, कैन यू नॉट बी कॉल्ड इन मैरिज। तो ध्यान रखना इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ये सेंटेंस पढ़ेगा ना, इसको पेश से पेश का नॉलेज नहीं होगा, तो ये सब कोई समझेगा कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो कैन यू नॉट, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगाया, देखो आपने देखा होगा, तो यू के बीच में नॉट लगाई, ऑब्जेक्ट है, तो कैन यू नॉट कॉल इन द मैरिज, के आपको शादी में नहीं बुलाया। अब हम क्या सीख रहे हैं बनाना, अब हम सीख रहे हैं आपको क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड। तो आपको शादी में, आपको शादी में कहाँ बुलाया जा सकता है, बोल सकते हैं, आपको शादी में कहाँ बुलाया जा सकता है, कहाँ कहाँ बुलाया जा, देखो तो दे आर आस्किंग दी प्लेस, वो क्या आप स्थान पूछ रहे हैं कहाँ, तो ये क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ होता है, तो क्वेश्चन वर्ड, तो इसको हम आगे लिखेंगे, क्या आएगा, क्या स्पेशल पेन से लिखते हैं, वेयर, वेयर आ गया, कैन यू कॉल्ड, वेयर कैन यू बी कॉल्ड, सॉरी वेयर कैन यू बी कॉल्ड इन मैरिज, वेयर कैन यू कॉल इन मैरिज, ठीक है। तो ये आपका हो कौन सा हो गया, आपका ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, छह प्रकार से हम सीखते हैं। आपको शादी में, आपको शादी में कहाँ नहीं बुलाया जा सकता है, वो पॉसिबिलिटी बनती है ना, ये सब पॉसिबिलिटी का खेल है, कहाँ नहीं बुलाया जा सकता है, इट इज़ द गेम ऑफ द पॉसिबिलिटी, ठीक है। बना सकते हैं, वेयर कैन यू नॉट बी कॉल्ड इन मैरिज,
रेडी पेन से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपको शादी में कहाँ नहीं बुलाया जा सकता है, वेयर कैन यू नॉट बी कॉल्ड इन मैरिज, आपको शादी में कहाँ नहीं। तो यहाँ भी देखो मैंने ऑब्जेक्टिव बात क्या लगा दिया, नॉट लगाया। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला जो रहता है ये एडिशनल रहता है, क्या रहता है, एडिशनल सेंटेंस रहता है बोल सकते हैं। तो अगर इसको हटा दो तो ये इंटरोगेटिव जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इंटरोगेटिव जैसा है। तो ये आपकी कहानी थी किसकी, कैन की, मॉडल पैसिव वॉइस की। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको शादी में बुलाया जा सकता है, यू कैन बी कॉल्ड इन द मैरिज, आपको शादी में नहीं बुलाया जा सकता है, यू कैन नॉट बी कॉल्ड इन द मैरिज, क्या आपको शादी में बुलाया जा सकता है, कैन यू बी कॉल्ड इन द मैरिज, क्या आपको शादी में नहीं बुलाया जा सकता है, कैन यू नॉट बी कॉल्ड इन द मैरिज, आपको शादी में क्यों बुलाया जा सकता है, हम कहाँ की जगह क्यों यूज़ कर सकते हैं, वाई कैन यू बी कॉल्ड इन द मैरिज, आपको शादी में कहाँ नहीं बुलाया जा सकता है, कहाँ नहीं बुलाया जा सकता है या फिर क्यों नहीं बुलाया जा सकता है, तो वाई कैन यू नॉट बी कॉल्ड इन मैरिज, इनकी जगह इन द मैरिज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अजीब अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे इस सेंटेंस को बना सकते हैं, एज वेल एज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे बना देखी कर दी, लेकिन आप देख कर प्रैक्टिस कर बोले तो आपको स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होगी। आप ओरली सेंटेंस को बना सकते हैं, आपकी जो स्पीकिंग में है ये फ्लुएंसी में आपका 100% यूजफुल करेगा, अगर आप ओरली सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे एज वेल एज आप नए प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और आप वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, तथा यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खूब सारा ख्याल रखें।